कोई पार्टी या कोई नेता कोई दल इस बारे में कुछ भी कहे, लेकिन सर्वानुमत इस बात को लेके है कि दूध जैसी, दही जैसी और मावा और पनीर जैसी चीज़ों मिलावट नहीं होना चाहिए। सर ये हमारी पीढ़ी के साथ, ख़ास तौर से नई पीढ़ी के साथ एक प्रकार वैसे ही है जैसे हम किसी के लिए आत्महत्या को बाध्य करें। मैं मान के चलता हूँ कि इसमें बहुत कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में सैनिटरी इंस्पेक्टर जो हैं, स्वच्छता निरीक्षक जो हमारा औषधि और वो ड्रग्स नियंत्रण वाला विभाग है, उसमें बहुत कम कर्मचारी हैं, और इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि इनके सैंपल के संग्रहण का कार्य और इकट्ठा करने का लैब नहीं है, लैब की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए। इनके लैब जो हैं राज्य के बाहर भी जाते हैं प्रयोगशालाओं में जांच के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम संभागीय स्तर पर एक लैब अनिवार्य रूप से इसकी स्थापित की जाना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलें कि ये दूध और मावे का काम नहीं कर रहे, जहर देने का काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है हमारे प्रदेश के लिए, समाज के लिए। और मैं जहाँ तक मान के चलता हूँ कि जितना अधिकतम दंड प्रावधान हो सकता होगा उसका करें। सरकार की हेलीकॉप्टर यात्रा की भी जांच कराएगी? नहीं कराए नहीं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम हेलीकॉप्टर ले जाते थे तो किसानों की फसल देखने के लिए, ओला गिर गया उसके लिए, अतिवृष्टि हो गई उसके लिए, कोई और भी प्राकृतिक घटनाएं हो गई उसके लिए हेलीकॉप्टर ले जाते थे, किसी ने कभी आत्महत्या कर ली तो उसके यहाँ भी जाते थे। आप नहीं जा रहे हैं तो इस कारण से स्वाभाविक रूप से ये आपके लिए शीघ्र जानकारी में आएगा। मैंने ये कहा जिस तरह का दंभ, जिस तरह का अभिमान और अहंकार मुख्यमंत्री जी ने हाउस में दिखाया, तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा यह अभिमान यह अहंकार ठीक नहीं है। वास्तव में हमने अपनी सत्ता एक प्रकार से जिसके हम नैसर्गिक दावेदार थे, हमने दूसरे ही दिन बगैर फ्लोर टेस्ट के, हम कह सकते थे गवर्नर साहिबा से कि 15 दिन का इनको वक्त दो, आप 15 दिन में ये अपना बहुमत साबित करें, लेकिन ना बहुमत साबित करने की ना कोई बात, लेकिन मुख्यमंत्री पद एक प्रकार से हमने उन्हें बगैर किसी कंडीशन के उन्हें दिया। तो इस तरह की बात करना फ्लोर टेस्ट उसमें क्यों नहीं कहा उन्होंने फ्लोर टेस्ट का? उनके कहने से नहीं लाएंगे, जब हमारी परिस्थितियां जैसी होंगी, हमारा हाई कमान कहेगा, पार्टी का उच्च, हमारा उच्च नेता जो हैं वो कहेंगे, उसके बाद ही हम लोग। सरकार स्थिर है? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मैंने हाउस में भी कहा है, जब आप लोग ये पूछते हैं तो मैं एक LOP मतलब लीडर ऑफ पोजिशन होने के नाते क्या मैं ये कह दूं कि सरकार 100 साल चलेगी? नहीं कह सकता। और ये बात भी सही है कि जितनी अस्थिर सरकार है, सिद्धांतविहीन सरकार जिसकी कोई वैचारिक एकता नहीं, जो इनको समर्थन दे रहे हैं, क्या वो वैचारिक कारणों से दे रहे हैं, सैद्धांतिक कारणों से दे रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ के कारणों से दे रहे हैं? और मैं मान के चलता हूँ जिस दिन उनके स्वार्थ पूरे नहीं होंगे, 2 मिनट में सरकार छोड़ देंगे।